यही राहुल गांधी इन्हीं के खटके जी, आज उनकी आंखें कहाँ चली गई? हम तो कह रहे हैं भगवान, उनकी आंखें फूट क्यों नहीं जा रही हैं? आपके पिता आदरणीय मुलायम सिंह जब गोली चलवाए थे तब आपको नहीं याद है? इसी अयोध्या में हमारा नरसिंहार हमारे पूर्वजों ने दिया है। अरे सब जमाना लद गया कांग्रेस और सपा बसपा का, अब आ गया है भाजपा का राज महाराज, और इसमें हम सब एक हैं। आना हो तो आइए, नहीं अपने घरे भजन करिए, जाइए अल्लाह नी लिल्ला दिगंबर रसूलुल्लाह मासा नी लाल फतु जा करिए अवतार मनाइए। स्वागत है जी आपका अयोध्या से, और हम आज बात करने जा रहे हैं, आज पोल खोलने जा रहे हैं, दरअसल ऐसे लोगों की जो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो सियासत का आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और खुद आज रामलला के दर्शन करने आए हुए थे, दर्शन करने आए भी थे या नहीं थे मुझे नहीं पता है, लेकिन कांग्रेस का झंडा लेकर आ रखे थे। ओम प्रकाश जी हैं यहाँ पर, अयोध्या से ही है, वो जरा बड़े गुस्से में थे, हमने उनका थोड़ा गुस्सा शांत किया है लेकिन शांत होने का नाम नहीं ले रहे। क्या कहेंगे जिस तरीके की ओछी हरकत आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है? इनकी आज से नहीं महाराज, 1949 से देख लीजिए आप, इनकी करतूते कहीं ना कहीं छिपी नहीं है महाराज, और लगातार उजागर ही होते जा रही है। जैसे आप मेरे बड़े भाई साहब है, मैं आपसे छोटा हूँ, मैं आपका बर्दाश्त करते जा रहा हूँ, लेकिन जब गुस्सा फूटता तो मैं बड़े भाई का पूरा पोल खोलते जा रहा हूँ। आज उसी स्थिति में कांग्रेस आ पहुंची है और उनका धीरे धीरे पर्दाफाश होते जा रहा है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार है, जो राम सेतु पे जाकर माननीय सोनिया गांधी महोदया ने कहा कि राम काल्पनिक है। यही राहुल गांधी इन्हीं के खटके जी, जो भी जितने भी इनके नेता है सब लोग हमारे आराध्य हमारे प्रभु को काल्पनिक बताते थे, आज उनकी आंखें कहाँ चली गई? हम तो कह रहे हैं भगवान, उनकी आंखें फूट क्यों नहीं जा रही हैं? आज तो दर्शन करने आ रखे थे अखिलेश प्रताप सिंह, सुप्रिया सुनेत, जो बड़ा बड़ा ज्ञान देती हैं। वो ज्ञान क्या देंगी? अब उनकी वो सब बीजेपी में आने वाली है महाराज, वो सब बीजेपी का दामन थामने वाली है। हाँ। तो इसलिए दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, उनके पास कुछ रही नहीं गया है। अब मोदी के आगे सब धूल दिखाई पड़े, कोई दिखाई नहीं पड़ा है। अरे भाई जब मोदी जी की बात आती है कि मंदिर दिखा दिए, अरे महाराज आज स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था, अरे भाई जब हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे ना तो हम क्वालिफाई होंगे, जब हम करेंगे नहीं तब नौजवान के लिए आप क्या बात करेंगे? जब हम उस कैटेगरी में कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे तो हम क्यों आप परेशान कर रहे हैं फाजिल में हमको? क्यों कह रहे हैं खोखले रंग है ये जो आपको दिख रहे हैं, अंदर जाएंगे तो अयोध्या में अभी भी आपको बेरंग ही दिखाई क्या? अरे हम यहाँ के जन्म जाति है महाराज, हमारा यहाँ जन्म कर्म हुआ है। जरा बता दीजिए थोड़ा सा, बीते एक दशक में, या मैं बीते एक दशक की भी नहीं पूछ रहा हूँ, पिछले 4-5 साल में अयोध्या किस तरीके बता रहे हैं? 2013, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 स्थिति ये थी। यही राम पैणिया थी महाराज, जो यहाँ पर गंदगी से पूरा भरा हुआ था, यही राम पैणिया है, ये गंदगी से भरा हुआ था। और आज आके इसमें जाके आचमन कर लीजिए, आप इसमें आचमन कर लीजिए, ऐसी स्थिति बीजेपी ने दी है महाराज। और रह गई बात जो ये लाइटिंग की, हर मोहल्ले में हर गली में आप चले जाइए, हर मोहल्ले हर गली में चले जाइए, हमारे प्रभु श्री राम की जगमगाती हुई लाइट, हर में धनुष और तीर और बाण दिखाई पड़ रहा है महाराज, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। इस बीजेपी के कार्यकाल में हम लोग बहुत प्रसन्न है महाराज। और ये जो कर रहे हैं आपको लग रहा है ढोंग है क्या? क्या करना क्या चाह रहे हैं ये लोग, जो राम पर सवाल भी उठाते हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उनको काल्पनिक भी बताते हैं, और फिर चोरी चोरी छुपके छुपके दर्शन करने भी चाहते हैं? चोरी चोरी छुपके छुपके इसलिए दर्शन करना चाहते हैं कि हम अपना टीआरपी जो होता है उसको बटोरते रहे, और कांग्रेस ने हमेशा भगवान को काल्पनिक माना है और हम लोग उनको नकार चुके हैं महाराज, जो क्यों आ रहे हैं? लेकिन हिंदू चला तो नहीं जाएगा उनकी तरफ ये मान करके राम के दर्शन करने आ रहे हैं? हिंदू कहीं जा ही नहीं सकता जिसके परमात्मा आ गए हो आराध्य, जिसके कार्यकाल में, अरे महाराज कल्याण सिंह ने अपना कुलसी बलिदान दे दिया महाराज, आडवाणी जी को देख लीजिए महाराज, जो जन यात्रा लेकर चल दिए थे महाराज, उनका आज उनका जो त्याग था तपस्या था वो अयोध्या में दिखाई पड़ा, तब कहां मर गए थे? तो सत्ता में थे महाराज, कहां चले गए थे? ये लोग सत्ता में थे तब इनको लोग आग नहीं खुला था कि क्या हो रहा है अयोध्या में। अखिलेश तो कहते हैं सपने में आते हैं मेरे कृष्ण जी, उनके वो एक अपना वो हिडोला बजा रहे हैं कि हमको निमंत्रण कार्ड मिला नहीं, और मिलेगा तो जाएंगे, और जब उनको कार्ड मिलता है उस समय बुआ और बबुआ दोनों गठबंधन कर लिए, तब बसपा आपको याद थी, और जब बसपा का कार्यकर्ता आपको निमंत्रण कार्ड लेकर चला गया तो आप भूल गए, आपके पिता आदरणीय मुलायम सिंह जब गोली चलवाए थे तब आपको नहीं याद है? इसी अयोध्या में हमारा नरसिंहार हमारे पूर्वजों ने दिया है, इसी अयोध्या में, और आज हम लोग अपने आंख से देख रहे हैं 550 बरस भगवान बाद में अपने महल में आ रहे हैं, ये हम लोग की गर्व की बात है। हम लोग के अंदर से पूछे क्या बीत रहा है महाराज? लोग स्थानीय लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि आप यहीं से हैं जी। लोग ये कह रहे हैं कि भाई स्थानीय लोग ऊपरी ऊपरी ठीक है, भगवान राम के नाम पर तो खुश हैं, लेकिन जिस तरीके से सारी की सारी चीजों का क्रियान्वयन हुआ है सही तरीके से नहीं नहीं हुआ है महाराज। ये बताइए आपको अच्छा भोजन भी चाहिए,
आपको बासमती चावल भी चाहिए, आपको काला नमक भी चाहिए, तो अपने घर पैदा थोड़ी ना कर पाएंगे, बाहर से लाना पड़ेगा। यदि यहाँ से बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको फैसिलिटी भी चाहिए। आप अपने घर पे खाट पे सो जाते हैं लेकिन शादी होती है तो हमको बेड चाहिए, अपने ससुराल में बोलते हैं। तो धीरे धीरे भाई सब जो व्यवस्था है वो बदलती रहती है। आज यहाँ ये व्यवस्था नहीं होती तो आप जाते कहीं फंस जाते, कहीं कुछ हो जाए। तो हमेशा हर चीज बदलाव होता रहता है और अयोध्या हमारा काफी बदलाव हो गया है। और हम योगी जी से निवेदन करते हैं कि आपने जो किया है इसके लिए कोट कोट धन्यवाद है और साधुवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है महाराज। योगी जी को तो वोट के नाम पर आप धन्यवाद देंगे ना? वोट के नाम पे नहीं महाराज, उन्होंने तो पूरा दामन ही थाम लिया। वोट तो एक अलग का विषय है महाराज, वोट की क्या बात है, उन्होंने हिंदुत्व। अब भाई हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम मुसलमान थोड़ी हो जाएंगे। बाबर 1400 साल पहले आया, अपना बाबरी मस्जिद पैदा कर दिया यहाँ, और हम यहाँ हजारों वर्ष से हमारे यहाँ पूर्वज रहे, तो हम क्या हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं कह सकते हैं? अरे सब जमाना लद गया कांग्रेस और सपा बसपा का, अब आ गया है भाजपा का राज महाराज, और इसमें हम सब एक हैं। 2024 के बारे में? अरे 2024 क्या महाराज, अभी योगी बैठने जा रहे हैं महाराज, अभी तो दूध चाय वाला था, अब तो काढ़ा वाला। अभी तो मोदी जी रहे, मोदी जी बस थोड़ा अपना पीए बना दिए हैं योगी जी को, बहुत ज्यादा समय बात नहीं है, बस 2027 होते होते योगी जी वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी तो चाय वाला था, अब काढ़ा वाला पहुँच रहा, आप देखो क्या होगा। अभी जो कुछ बचे कुछ है, अभी राहुल यादव, राहुल गांधी के जो एक कोई सांसद थे, भूल गए आप राहुल यादव, दोनों को मिलाकर आपने जी पिछले कुछ समय में हुआ था जी, राहुल गांधी के जो अभी एक सांसद थे वो साइकिल से चल रहे थे, बहुत महंगे थे, उनके यहाँ ईडी पहुंची, तब पेलम पेल था, पता नहीं कहाँ रहे, साइकिल से दिखा रहे थे लोग को जी जी जी। नहीं तो ये गलत बात है, क्यों आप हिडोला बना रहे हो, अपना सुता बने हुए हो और यार दिखा रहे हो मोदी जी को, योगी जी को, ये गलत बात है। जो हो रहा है उसको आराम से देखो, आना हो तो आइए, नहीं अपने घरे भजन करिए, जाइए अल्लाह नी लिल्ला दिगम्बर रसूलल्लाह मासा नी लाल पतु जा करिए अवतार बनाइए। बाईस का ही है हो, बाईस का ही है, देवतन के मन हर सही है, नर नारी दियना जरई है, नर नारी दियना जरई है, भरत सगरू अयोध्या सजई है, हमार भैया बाईस का यही है, नर नारी दियना जरई है, हमार भैया बाईस का यही है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और लेके जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। ये सुन लीजिए, ये बहुत जरूरी है, ये आपको सुनाना चाहता हूँ, ये क्योंकि और ये सभी सपोर्ट करिएगा। क्या अवध में मंदिर है तैयार, अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं सबके सरकार, है जिनकी लीला अपरंपार, है जो सरदारों के सरदार, राम की जय हो, राम की जय हो। और बंद सुनिएगा, 500 वर्षों से मेरे राजा रहे जगत बनवासी, रोई अयोध्या रोई मथुरा सुनी पड़ी थी काशी, करने को रावण का संहार, गए थे सागर के उस पार, राम की जय हो, राम की जय हो। और एक बंद जरूरी पढ़ के तब आपकी बाड़ी को विराम दूंगा, सुने। काल नीमियों ने मेरे प्रभु का मंदिर तोड़ दिया था, काल नीमियों ने मेरे प्रभु का मंदिर तोड़ दिया था, जयचंदो ने मेरे प्रभु को टेंट में छोड़ दिया था, न्यायालय में राम जन्म के मांगे गए सबूत, जगत गुरु जी बजरंगी के बनकर पहुंचे दूत, जगत गुरु जी बजरंगी के बनकर पहुंचे दूत। सुनिए क्या, एक इशारा करता हूं, डकैती बक्कल दिया है ताड़, हो सबका घुटना दिया पछाड़, जो है सरदारों के सरदार, है जिनकी लीला अपरंपार, अवध में मंदिर है तैयार, जो है सरदारों के सरदार, राम की जय हो, राम की जय हो, बारंबार राम की जय, जय श्री राम, भारत माता की।